जो धारणा निकल करके लोगों के मन में आई है वो यही है कि जहाँ पर कोई अवमान दिखाना है, जहाँ पर कोई रूढ़ी दिखानी है, जहाँ पर कोई कमी दिखानी है, वहाँ तो हिंदू धर्म, और जहाँ अच्छाई दिखानी है वहाँ दूसरी। तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है अब कि बॉलीवुड ये काम कर रहा है। और सच बात तो ये है कि ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान इधर नहीं जा रहा था। अब लोगों का ध्यान भी इधर चला गया है और इसीलिए हम लोगों का भी ध्यान इधर गया है और हमने एक समिति का निर्माण किया है। जल्दी ही वो अपना कार्य आरंभ करेगी और उसका कार्य ये है कि जितने भी ये धारावाहिक टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे हैं और जितने भी फिल्में बन रही हैं, जैसे भारत सरकार का एक सेंसर बोर्ड है, पहले वहाँ पर फिल्म को दिखाया जाता है और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये अनुमति है, तब वो जनता के बीच में प्रदर्शित होती है। उसी तरह से हम अपने धार्मिक जो हमारा बोर्ड हम बना रहे हैं उसका ये कार्य होगा। उनको दिखाने के लिए तो कोई आएगा नहीं, लेकिन हम स्वयं फिल्म को हमारा बोर्ड बैठ करके जो विशेषज्ञ हैं वो देखेंगे, जो धर्म के जानकार हैं, संस्कृति के जानकार हैं, भारतीय वातावरण के जानकार हैं, वो लोग बैठ करके फिल्म को और धारावाहिकों को देखेंगे और जहाँ जिस अंश में आपत्तिजनक कोई चीज़ होगी, जो हमारे धर्म के और संस्कृति की दृष्टि से आपत्ति करने लायक बात होगी, उसको रेखांकित करेंगे और फिर उसको हम लोग नोटिस भेजेंगे कि आप इस अंश को कैसे रख सकते हैं और इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।